हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ जेड ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म ये सब मैं बता चुका हूँ और स्टूडेंट्स की बहुत सारे मैसेजेस और डिमांड के हिसाब से मैं यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीएससी और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। पर मैं आपको बता दूँ कि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जेड ट्रांसफॉर्म जो लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इसका यूज़ होता है, बट मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मैथमेटिकल जेड ट्रांसफॉर्म। लाइक मैथमेटिकल इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो IIT-12 यहाँ पे मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं लाइक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे, वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट, ये जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या है? नॉर्मली ये डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने में बड़ा ही हेल्पफुल टूल होता है और ये जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है ये डिस्क्रिट सिक्वेंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। लाइक आप बोलोगे सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है, पर जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो डिस्क्रीट जो सीक्वेंस होता है उसके लिए ये यूजफुल टूल होता है। ठीक है, सो यहां पे मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड देन क्वेश्चंस पे आता हूं। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या है और निकालते कैसे हैं। सो देखिए, यहां पे जेड ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले डेफिनेशन, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस UN डिनोटेड बाय ZUN, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज, इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है। मतलब अगर ZUN है तो क्या होगा, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट UN z पावर माइनस n इज इक्वल टू U बार Z, इसको हम U बार Z से भी बोलेंगे, है ना, वेर U बार Z इज द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ UN एंड Z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि जो Z ट्रांसफॉर्म है ये एग्जिस्ट तभी होता है, जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ओनली व्हेन द इनफाइनाइट सीरीज 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो हम किसी भी सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। द सीक्वेंस UN इज कॉल्ड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ U बार Z। मतलब अगर जेड ट्रांसफॉर्म इसका ये है तो ये जेड उधर जाएगा, लाइक ये जेड उधर गया तो जेड इनवर्स ऑफ U बार Z इज इक्वल टू UN, राइट? तो अगर आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसी का जो सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस का जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, UN होगा। नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। जो भी सीक्वेंस होती है उसमें जेड पावर माइनस एन का जो कोफिशियंट होता है वो उसका क्या होता है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होता है। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे और उस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही ईजी टॉपिक है और ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि जो गेट का एग्जाम होता है उस एग्जाम में या फिर CSI नेट में तो जेड ट्रांसफॉर्म का इतना नहीं है, बट जो गेट का एग्जाम होता है उसमें इस पर बेस्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम किस तरह से इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, शो दैट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ AN इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम इसको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना तो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जेड ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, क्या होता है, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पर यहाँ पे एन जीरो से बड़ा दे रखा है तो जीरो टू इन्फिनेटिव यू एन जेड पावर माइनस एन होगा। और यहाँ पे जो UN है वो हमारे पास कितना दे रखा है, AN दे रखा है। सो समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी AN z पावर माइनस n होगा, देन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये z मैं नीचे ले लेता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देन इसको हम खोलेंगे तो जब n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये 1 आएगा, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा a बाय z, जब 2 रखेंगे तो ये आएगा a बाय z पावर 1, इस तरह से चलता जाएगा अप टू इन्फाइनाइट चलेगा। और स्टूडेंट ये एक इन्फाइनाइट सीरीज है और इन्फाइनाइट सीरीज क्या होती है, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका जो सम होता है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस a बाय z, और इसका हम LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा दिस। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ AN की जो वैल्यू होती है ये कैपिटल z है और ये यहाँ पे आपका स्मॉल z होता है, तो थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको, दिस इज स्मॉल z, राइट? सो दिस इज स्मॉल z, सो दिस इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ a पावर n। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया z ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 पावर n कितना होता है, तो यार क्या होगा, यहाँ 4 है a की जगह, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, z अपॉन z माइनस 4। लाइक अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 पावर n, तो कितना आ जाएगा, z अपॉन z माइनस 6 आ जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि अभी आपने निकाला कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ a n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, z माइनस a होती है। पर अब अगर ये z उधर गया तो z इनवर्स ऑफ
स्मॉल z है, z इनवर्स ऑफ z अपॉन z माइनस a की वैल्यू किसके बराबर होती है, a पावर n के बराबर होती है। लाइक अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ z अपॉन z माइनस 5, तो भैया क्या आंसर आएगा इसका, 5 पावर n आएगा, राइट। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं, मैं आपको जब इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, पर अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि z ट्रांसफॉर्म इस तरह से निकालते हैं। और इनवर्स z ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म an होता है। मतलब अगर आपको इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होता है, a पावर n, लाइक अगर a की जगह 5 रख देंगे तो इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 5 पावर n हो जाएगा। हम इसको निकाल भी सकते हैं, सो मैं आपके नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अभी हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाइक z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किस तरह से, और इस पे बेस्ड मैं कुछ और भी आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं, देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन, शो दैट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ z पावर z ट्रांसफॉर्म ऑफ zn पावर p इज इक्वल टू माइनस zd / dz z ट्रांसफॉर्म ऑफ n पावर p माइनस 1। लाइक z ट्रांसफॉर्म ऑफ n पावर p का ये रिलेशनशिप होता है z पावर मतलब n पावर p माइनस 1 से। सो ये आपको प्रूव करना होता है, इससे इसकी हेल्प से हम इनका z ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं z ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनट से इन्फाइनट होता है, पर यहाँ पे n जीरो से बड़ा दे रखा है, सो ये आएगा यू एन z पावर माइनस n। नाउ देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, यू एन की वैल्यू आप हम यहाँ पे लेंगे, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n पावर p माइनस 1 का निकालेंगे। लाइक यहाँ पे जो यू एन आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, n पावर p माइनस 1 z पावर माइनस n लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये बराबर ये प्रूव कर रहा था, हम इसको लेके आए चलेंगे, तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ d बाई डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, ये n पावर p माइनस 1 ही होगा, और स्टूडेंट इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस n ये आगे आ जाएगा, माइनस n z पावर n माइनस 1 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, मैं ये माइनस n जो है माइनस तो बाहर निकाल देता हूँ, और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n पावर p हो जाएगा, और यहाँ लिख देता हूँ z पावर माइनस n अपॉन z लिख देता हूँ, है क्योंकि ये पावर नेगेटिव माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा। नाउ ये माइनस वन बाय जेड एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव एन पावर पी जेड पावर माइनस एन हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पे एन पावर पी माइनस वन, तो इसका फार्मूला ये होता है, अगर यहाँ पी माइनस वन की जगह पी आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन पावर पी, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो जो मैंने प्रूव किया वो ये प्रूव किया, d by dz of z transform of n power p minus 1 is equal to minus 1 by z z transform of n power p। Now हमें ये लेना है तो यह आ जाएगा z transform of n power p, ये z इधर ले लूँगा और minus उधर चला जाएगा, तो d by dz of z transform of n power p minus 1। So इस तरह से इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रूव करते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले मैंने एक प्रूफ किया था आपको याद हो, और वो प्रूफ क्या था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a पावर n की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, z इंटू z माइनस a होती है, z अपॉन z माइनस a होती है, स्मॉल z है तो स्मॉल z ही लिखना आपको। अगर मैं बात करूँ कि 1, जहाँ पर a वहाँ 1 रख दूँ तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, z इंटू z माइनस 1 आता है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको इसकी हेल्प से आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी, तो जहाँ पर भी p है वहाँ हम कितना रखेंगे, p इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और एक बार मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, p इज इक्वल टू 2 रखता हूँ। जब p इज इक्वल टू 1 रखता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू माइनस का z d बाय dz ऑफ z इंटू, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, n पावर 0, और n पावर 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो यह आएगा माइनस का z d बाय dz, और z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है स्टूडेंट, हमने भी निकाल रखा, तो ये वैल्यू आएगी z अपॉन z माइनस 1 स्मॉल z है, ठीक है। नाउ इसको हम u अपॉन v से डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो यह आएगा हमारे पास z माइनस 1 को छोड़ा इसका किया तो 1 माइनस इसको छोड़ा डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट ये z से ये z कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा
जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं तो जेड पावर एन मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। अब एक और यहाँ पे जब p इज इक्वल टू टू होगा तो स्टूडेंट जहाँ पर p है वहाँ हम टू रखेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का जेड डी बाय डी जेड ऑफ यहाँ पे एन पी की जगह टू रखेंगे तो ये आएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन। और स्टूडेंट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन हमने अभी प्रूव किया, तो अगर आपको एन स्क्वायर निकालना है तो पहले जेड पावर एन निकाल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन निकालना पड़ेगा, देन ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे, तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस का डी बाई डी जेड ऑफ ये आएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम यू अपॉन वी से क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जेड स्क्वायर अपॉन जेड जेड माइनस वन का होल क्यूब। तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अब इसके बाद मैं आपको जो अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टी पे मैं आपके सामने टॉपिक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेड ट्रांसफॉर्म पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर हम लेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट ये सिक्वेंस चलेगी यहाँ पे, उसके बाद एक और टॉपिक आएगा दैट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड देन डिफरेंस इक्वेशन, ये सब मैं टॉपिक आपके साथ लेने वाला हूँ। और इसके पैरेलल स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपके साथ लाइक जो मेरे वीडियोज हैं अभी मैं प्रोबेबिलिटी पे लेके आने वाला था, तो प्रोबेबिलिटी पे मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक बताया, उसके बाद उसमें आपका एमजीएफ और उस पे भी आगे में रिलेशन इक्वेशन वो भी मैं आपके साथ पैरेलल चलता रहेगा, प्लस अब मैं पैरेलल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे भी मैं आपके सामने वीडियोस लेके आने वाला हूँ, क्योंकि सो दैट कि पैरेलल दो तीन टॉपिक एक साथ चलते रहेंगे तो आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलती रहेगी। स्टूडेंट मैं आपके लिए करता रहूँगा और आगे बहुत अच्छी मेहनत आप भी करते रहिए, और आपके एग्जाम्स जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम हो गए हैं तो आप आगे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, लाइक जो भी जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहा है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग वाला गेट की तैयारी करे, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वो IIT JEE की तैयारी करे, तो ये सब आपके जो लाइक मेरे जो मई के बाद जून जुलाई और अगस्त ये तीन महीने इसके अंदर मैं IIT JEE और गेट से रिलेटेड टॉपिक्स और इस पर पुराने साल के आए हुए क्वेश्चंस ये सब मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।